प्रशासन योद्धा अकादमी व योद्धा की संयुक्त तत्वाधान में स्कूली बच्चों के साथ करियर गाइडेंस सत्र का किया आयोजन। ब्लॉक बस्तर के ग्राम पंचायत घाटलोंगा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को जिला प्रशासन योद्धा अकादमी व योद्धा के संयुक्त तत्वाधान में स्कूली बच्चों के साथ करियर गाइडेंस सत्र का आयोजन किया, जिसमें विद्यार्थियों के साथ करियर पथ चुनने, अपनी रुचि अनुसार विषय लेने व विभिन्न संकायों से संबंधित करियर स्कोप के बारे में चर्चा की। यूं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की चयन प्रक्रिया के बारे में बताते हुए परीक्षाओं की तैयारी करने हेतु प्रेरित किया तथा लाला जगदलपुरी केंद्रीय ग्रंथालय व योद्धा अकादमी में प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु दिए जा रहे निःशुल्क 140 छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण के बारे में जानकारी दी, जिसमें शिक्षक सहित श्रीनिवास बायोलॉजिस्ट, मनीष श्रीवास्तव केमिस्ट्री, अलेक्जेंडर चेरियन, संजीव विश्वास फिजिक्स के द्वारा निःशुल्क कैरियर गाइडेंस किया, जिसने योद्धा जिला समन्वयक भोलाराम सांडिल, ब्लॉक समन्वयक सहित योद्धा स्वयंसेवक मौजूद रहकर सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया। जितेंद्र कुमार तिवारी की रिपोर्ट। एक पढ़ाई एग्जाम बहुत सारे, रास्ते बहुत सारे, ठीक है। तो जैसे आपको नीट एग्जाम देना है, उसके लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर सब्जेक्ट आपका ट्वेल्थ में है तो आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। नीट एग्जाम से क्या बनते हैं, डॉक्टर की जो पढ़ाई होती है उस मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन मिलता है, ठीक। अगर आपका डॉक्टर में नहीं हुआ तो और क्या कर सकते हैं, हर कोई डॉक्टर बनने जरूरी नहीं है, लेकिन एक ही पढ़ाई से चेरियन सर जो है आप लोगों को बहुत सारी बात बता दी है। आप लोगों के मन में बहुत सारी स्थिति, यहाँ पर हम पूरे प्रोग्राम हमारा प्रोजेक्टर के साथ समय का अभाव के कारण नहीं चल पा रहा है, ठीक है, फिर भी हम मोटी मोटी बात आपको बता देते हैं। तो जैसे आपको क्या बनना चाहते, टीचर बनना, टीचर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई तो करना पड़ेगा, सभी के लिए पढ़ाई करना पड़ेगा, लेकिन टीचर बनने के लिए आप आगे क्या क्या पढ़ाई करना पड़ेगा नहीं पता, चलिए आप क्या बनना चाहते हैं, हाँ नीतू आप क्या बनना चाहते हैं, हाँ? नहीं सोचे, देखिए यही है, आपको सबसे पहला काम आपको एक सपना देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि नहीं भाई, आप अगर सोचोगे ही नहीं तो कोई मतलब नहीं, पहले आपको सोच रखना पड़ेगा कि आपको क्या बनना है, मुझे ये जॉब अच्छा लगता है, ये आपको पहले आपको सोचना पड़ेगा और सोचने के बाद उसी दिशा में एक कदम आपको आगे बढ़ाना है, समझ रहे हो। तो इसके लिए आपको करना क्या है ना, ये आपको हम लोग थोड़े से बताएंगे। जैसे अभी 12th पास होने के बाद बहुत लोगों को लगता है, बहुत लोगों को लगता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे लाइब्रेरियन बनना है, मुझे अच्छा डांसर बनना है या एक एक्टर बनना है, लेकिन उसके लिए आपको क्या क्या डिग्री चाहिए, आपको क्या करना है, ये सारी चीज आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो योद्धा अकादमी सबसे पहले तो हम बता देते हैं कि हम लोग किस संस्था से हैं, तो हम लोग सरकार की तरफ से जो फ्री कोचिंग चलता है, क्योंकि हर बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, टैलेंट है, नर्स बनना चाहता है, एग्रीकल्चर में जो बड़े साहब होते हैं ना एग्रीकल्चर में, वो सब पोस्ट में जाना चाहता है, लेकिन किस तरह से जाएंगे, इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम बस्तर आने वाला जनरेशन ऐसा न भूख से बोलते, उसके लिए हम लोग योद्धा मंच है, इसका उपयोग करते हुए हम लोग सरकार को आपको जोड़ रहे हैं, अलग अलग लोग को जोड़ने का काम योद्धा कर।